Hello student, welcome to Aarakshan educational group. मैं चंदन सर, जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, उसमें हम लोग लगता है कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पर अंत किए थे. इसके बाद आज हम लोग को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट देखेंगे. लगता है कि छठा नंबर तक हम लोग बातचीत कर दिए थे, आज हम लोग देखेंगे सातवां नंबर. लेकिन सातवां नंबर बताने से पहले एक चीज मैं हर बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब दे दें. बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पर लाइव आने जा रहे हैं, यानी संडे तक में हम लोग लाइव आ जाएंगे. हो सकता है कि संडे से आए तो मंडे से आप लाइव आने जा रहे हैं. तो चलिए सातवां नंबर हम लोग लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह. डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह. तो डैश देके लिखेंगे, छोड़ो डैश देके लिखेंगे, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. लिख लिए, एक बार मिला लें. वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. तो सबसे पहली बात तो ध्यान देंगे छोटू कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. जैसे हम बोले कि ए जीरो जीरो बी, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 2x2 है, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखेंगे छोटू, अब इसमें हम लोग देखेंगे डायगोनल इसी को कहते हैं. डायगोनल ऐसे आपको ई भी है लेकिन दूसरा डायगोनल ही है, ये D2 है, ये D1 है. तो मैट्रिक्स या डिटर्मिनाट में सिर्फ ऐसे जो रहता है उसी को डायगोनल बोला जाता है. तो देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव हो, मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त अन्य जो भी अवयव है सब के सब शून्य होना चाहिए. चलिए एक उदाहरण और हम लोग देखते हैं. जैसे हम ए या बी कुछ भी ले सकते हैं. बी बराबर ले रहे छोटू 1 0 0 0 3 0 0 0 6 सपोज ले लिए. अब देखिए तो छोटू इसका डायगोनल 1 3 6 है, बाकी शेष सभी अवयव क्या है? तो वैसा वर्ग अभी हूं जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त जो भी अवयव है सबके सब शून्य होता है, वैसे अवयव को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है. अब इसमें भी देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो 1 2 3 3 कॉलम. तो यानी यहां पर आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वर्ग अवयव होते हैं. तो सभी डायगोनल मैट्रिक्स को वर्ग अवयव कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्ग है कि नहीं है, बट सभी वर्ग अवयव. जैसे हम ए बराबर कह दे छोटू 1 2 3 4, तो वर्ग अवयव है बट डायगोनल अवयव नहीं है, क्योंकि डायगोनल में सिर्फ 1 4 तो है लेकिन ये दोनों नहीं होना चाहिए. तो यानी आप दिमाग में सेट कर ले
कि सभी डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो स्टार पॉइंट देकर लिखें, सभी डायगोनल मैट्रिक्स को, सभी डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, सभी डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे छोटू, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे स्केलर, सातवां नंबर के बाद होता हम लोग को आठवां नंबर, आठवां नंबर एस सी एल ए आर स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जिसे हम लोग कहते हैं आदिश अभिहु, आदिश अभिहु लिख के डैश देंगे, आदिश अभिहु लिख के डैश देंगे, क्लियर है, लिखा जाए वैसा वर्ग अभी हो, वैसा वर्ग अभी हो, वैसा वर्ग अभी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वैसा वर्ग अभी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वैसा वर्ग अभी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा बाकी शेष अवयव शून्य हो, तथा बाकी शेष अवयव शून्य हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए छोटू, जैसे हम ए बराबर ले लें, जस्ट मान लो कि 2 0 0 2 यानी मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव सेम हो, बाकी जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं छोटू, जैसे मान के चलो कि हम बी ले लें और यहां पर आपको कहते हैं बउआ एंड मैया, जैसे हम बोले 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब आप देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव देखिए सेम है, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम हो, बाकी शेष अवयव शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें स्टार पॉइंट देकर लिखेंगे छोटू, आप दिमाग में सेट कर लो कि सभी स्केलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, तो लिखेंगे स्टार मार्क, सभी सभी स्केलर मैट्रिक्स तथा सभी स्केलर मैट्रिक्स तथा सभी स्केलर मैट्रिक्स तथा डायगोनल मैट्रिक्स, सभी स्केलर मैट्रिक्स तथा डायगोनल मैट्रिक्स को, सभी स्केलर मैट्रिक्स तथा डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, सभी स्केलर मैट्रिक्स तथा डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गए, क्योंकि ऐसे भी हमने परिभाषा में लिखा है कि वैसा वर्ग अभी जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम हो तथा बाकी शेष अवयव शून्य हो उसे हम लोग कौन सी कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे छोटू स्केलर मैट्रिक्स के बाद, स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। चलिए तो हम लोग लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स, UNIT यूनिट, EIC के एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोलिए,
या इसी को बोलेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्लियर है, जिसे हम लोग कहेंगे इकाई या तत्समक, तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह क्लियर है। चलिए लिखा जाए, डैश देखे लिखा जाए, वैसा वर्ग भी हो, वैसा वर्ग भी हो, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन हो, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन हो, वैसा वर्ग भी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन हो तथा बाकी शेष अवयव शून्य हो, तथा बाकी शेष अवयव शून्य हो, शून्य हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। कंप्लीट है। चलिए अब देखिए, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा छोटू, यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई, देखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा सूचित किया जाता है, यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए बहुआ, अब हम बोले छोटू कि दो रो दो कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए, तो इसे आप बोल सकते आई, या कोई को बुक में आपको लिख दे आई टू, इसका मतलब आप समझेंगे कि 1 0 0 1 आइडेंटिटी में फिक्स है छोटू कि डायगोनल में वन ही होना चाहिए, इसका विकर्ण जो मुख है 1 1 होना चाहिए, तो दो रो दो कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स चाहे डिटरमिनेंट सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा सब जगह इस्तेमाल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक उदाहरण के रूप में इसको याद रखेंगे, आई बोले चाहे आई टू बोले तो दिमाग में सेट कर ले 1 0 0 1। अगर हम दूसरा बात कहें छोटू कि आई थ्री या हम बोले आई, तो आप समझ लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप कहेंगे दोनों मतलब तो आई है, तो आप इसमें दो रो दो कॉलम के भी देगा तो आई समझ लेंगे, इसको तीन रो तीन कॉलम के देगा तो आपको आई से डिनोट, चाहे आई थ्री से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपको जो दिखाया आपको दे रहा है यही आपका कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो याद हो गया कि वैसा वर्ग अभी हो जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई द्वारा सूचित करते हैं। I2 कहे तो ई समझिएगा, I3 कहे तो ई समझिएगा, अगर I बोले तीन रो तीन कॉलम कहेंगे तो ई होगा, अगर I बोले दो रो दो कॉलम कहेंगे तो ई वाला होगा। याद हो गया कंप्लीट। और एक बात याद रखेंगे, स्टार पॉइंट पे हम लोग समझ लीजिए, तो आप देखिए सर यूनिट मैट्रिक्स तो है ही, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो कहें कि हाँ स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, तो सेम है कि नहीं है, तो है, तो दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि सभी स्केलर मैट्रिक्स को, सभी स्केलर मैट्रिक्स को, सभी सभी यूनिट मैट्रिक्स को, सभी यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, सभी यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट सभी स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। तो स्टार देकर लिखिएगा एक छोटू, लिखेंगे कि सभी 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 यूनिट मैट्रिक्स को, सभी यूनिट मैट्रिक्स को, सभी यूनिट मैट्रिक्स को, सभी यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, सभी यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन 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 सभी स्केलर मैट्रिक्स को, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स को
यूनिट मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं। दिमाग में सेट कर गया होगा, सभी यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कर सकते हैं, बट सभी स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। तो हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसका रीजन आप समझिएगा, थोड़ा सा अजान हो रहा था, आपको माइक में कैच कर लेगा आपका आवाज, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में इसको बोल देंगे। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ना छोटू, कि ई जब आप समझ गए तो हम आपको कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स है ओकरा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो ऑलवेज ए प्राप्त होगा। हम गुना जब बताएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो एक स्टार पॉइंट देकर लिखेंगे बउआ यूनिट मैट्रिक्स को एन बार गुना किया जाता है, यूनिट मैट्रिक्स को एन बार गुना किया जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए आई के पावर एन हम दे दे छोटू तो आई होगा, आई के पावर एन बराबर क्या होगा आई। तो इसे नीचे घेर दे, घेरने के बाद एक स्टार पॉइंट देखें, लिखा जाए यदि किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो दिया हुआ मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, इसमें हम आई से गुना कर दे छोटू तो रिजल्ट आपका मिलेगा ए। अब आप देखिएगा जब हम गुना पढ़ावेंगे तो कहीं कोई मैट्रिक्स रहेगा और हमें आइडेंटिटी एकरा से गुना करिएगा, चाहे एकरा से गुना करेंगे वो आपको कंडीशन दे ले रहेगा कि के रो के कॉलम के है, तो ए आई का मान क्या हो जाएगा ए। यानी कहने का मतलब ए आई रहे चाहे आई रहेगा तो उसका मान ऑलवेज क्या होता है ए होता है। कंप्लीट होगी हम, तो मैं उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि यूनिट मैट्रिक्स आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखते हैं छोटू कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो लिखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, UPPER, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पर बने रहे, तकलीफ नहीं हुआ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम लोग कहते हैं छोटू ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर है? यूनिट मैट्रिक्स को थोड़ा हम फास्ट बताएं क्योंकि उस समय जान हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी लिखाना पड़ा था कि उसका आवाज आपको कैच ना करे कैमरा। चलिए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझिएगा, अपर ट्रायंगुलर एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, तो अपर कहेगा तो लोअर सोचेंगे, तो देखिएगा पहले डिफिनेशन तब और क्लियर हो जाएगा। तो लिखा जाए वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।
तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिएगा जरा, जैसे हम छोटू लें कि ए बराबर 1, 3, 5, 0, 4, 6, फिर लेते हैं 0, 0, 5, ये आपको हम ले लिए छोटू, तो हम क्या बोले कि मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसी का नाम है अपर ट्रायंगुलर। अपर कहेगा तो मुख विकर्ण के नीचे, और लोअर कहेगा तो मुख विकर्ण के ऊपर जीरो होना चाहिए। अपर कहेगा तो मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होता हो तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा तो मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य रहेगा तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए एक और उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, दूसरा नंबर कहते हैं कि बी बराबर, जैसे ले ले छोटू 2, 3, 0, 7। अब देखो तो छोटू मुख विकर्ण है, मुख विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होना चाहिए, जीरो, तो जीरो है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं समझता हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट नंबर, नंबरिंग छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग लिखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव, चाहे निचला त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर है, लिखा है छोटू डैश देखो, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे ए बराबर लें 1, 0, 6, 5। अब देखिए छोटू, ये आपका मुख विकर्ण है, अब मुख विकर्ण के ऊपर के अवयव कौन सी है, जीरो है। दूसरा नंबर हम कहें छोटू कि अगर b बराबर हम ले लें 2, 0, 0, 5, 5, 7, 0, 2, 6, 0, चाहे हम लेते हैं 3। अब आप देखिए छोटू, ये मुख विकर्ण है, मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होना चाहिए, है कि नहीं है। तो ऐसे अवयव को हम लोग कौन से बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दोनों याद कर ले, मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, दिमाग में सेट कर ले, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इतना ही प्रकार है, और एक तुल्यता पर बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। एक बात आप ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, लेकिन ध्यान आप ये रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब लाइव पर आने जा रहे हैं, संडे या तो आपको मंडे, ये दो दिन में आपको लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिलते हैं पुनः इसी चैनल पर कल, आज के लिए बाय बाय।